प्रयाग नगरी का महत्व समझते हो? गंगा जमुना का संगम, देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर सदी के महानायक तक सबकी जन्मभूमि रही है। एक समय था जब IAS की फैक्ट्री कहा जाता था हमें। संदीप भैया, अरे हमारा मूल्यांकन किए कि नहीं आप? यहाँ चार सिटी के बाद भी दाल नहीं गल रहा हमारा। तुमको मूल्यांकन का पड़ा है? भैया का सिस्टम फिर हैंग हुआ पड़ा है। अरे UPSC का अटेम्प्ट खत्म हुआ है, जिंदगी नहीं। इनके बारे में बहुत सुना है, प्रयागराज के टिफिन सर्विस का भी काम था इनका। ये पर्चे बांटने के लिए हमारी दुकान में आना होता है क्या? सारे कस्टमर तोड़ लेंगे तुम्हारे हम, भीम जी समझे? तैयारी नहीं कर रहे तो हमें लगा पढ़ाते होंगे आप। फिर हमें पता चला कि मूल्यांकन करते हैं आप, हमारा भी कर दीजिए ना प्लीज। मैं आज तक सबसे यो पूछता था तन्ने IAS क्यों बनना है, पर तेरी कॉपी चेक करके मन ने यो समझ में नहीं आ रहा है तन्ने IAS क्यों नहीं बनना है। टाइम कैसे मैनेज करेंगे भैया? एस्पिरेंट टाइम मैनेज करना सीखे ना सीखे, टाइम खुद एस्पिरेंट को मैनेज करवाई देता है। इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है तुम्हारा। फुल टाइम फैकल्टी बनोगे? लगता है इस बार फिर चक्का जाम करना पड़ेगा। क्या फाइल हुआ यार? संडे को रेलवे का एग्जाम है हमारा। अबे तुम रेलवे बोल रहे हो हैं? प्रीलिम्स है यहाँ पे हम सबका, प्रीलिम्स। नहीं हो पाओगा? नहीं हो पाएगा। लिखित में दीजिए। बहुत बढ़िया, यही एटीट्यूड रखना। सिविल सर्विस को तुम जैसे लोगों की सख्त जरूरत है। आपको भरना है फॉर्म। अगर ये तकदीर बदलनी है ना तो ये छोटी मोटी 150 मीटर की दौड़ से कुछ नहीं होगा, मैराथन भागनी होगी, मैराथन। अब बाबू पता है गाड़ी अक्सर उन्हीं की छूटती है जिनका घर स्टेशन के बगल में होता है। UPSC एक प्रेत है, पलट के मत देखना, पीछे पड़ जाएगा तुम्हारे। फिर फार्म भरण लाग रहा के बस कर, और के एग्जाम एग्जाम लगा रखी है तने, मजाक लाग रहा है तुझे सब। मैं ना कर रही तैयारी। मर गया संदीप भैया। फेलियर्स को कभी अपना कंफर्ट जोन नहीं बनाना।